पत्रकार बिहार के मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी एगो वीडियो जारी करते हैं, कहते हैं जो कहीं पे भी अगर स्कूल में समस्या है तो आप जा करके नजदीकों में देखिए क्या समस्या है, वहाँ का फोटो बनाइए, वीडियो बनाइए, फोटो वीडियो लेकर के डीएम को दीजिए, तुरंत कार्रवाई होगी। पहले तो बहुत हो रहा था पढ़ाई, इधर हमको कुछ शिकायत मिली है कि कम पढ़ाई हो रही है, तो जरा आप लोग अपने इलाके में जो भी स्कूल है उसमें जा करके देखिएगा कि पढ़ाते हैं कि नहीं शिक्षक लोग, हैं कि नहीं है। अगर नहीं है शिक्षक और नहीं पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ सीधे वीडियो से डीएम साहब को कह दीजिएगा, भेज दीजिएगा। और हमने डीएम को कह दिया और उसका मीटिंग करने वाले, वो जैसे ही खबर आवे वैसे ही तुरंत लोगों को भेजिए और देखिए कि आखिर काहे नहीं रहते हैं। और जब नहीं रहते हैं तो उनको तनख्वाह देंगे, हम नहीं देंगे तनख्वाह, पढ़ाएंगे नहीं तो हम किसी को रहेंगे मारेंगे। पहले तो हम दे दिए थे जिम्मा, तब तक कोई कोर्ट में चला गया और कोर्ट में उसको रोक दिया, इसलिए हम उसमें नहीं इंटरफेयर कर रहे, हम इसलिए कह रहे देख करके खाली आप बता दीजिए, मोबाइल पर जैसे ही फोटो कर दीजिएगा और उसी से मालूम हो जाएगा, तुरंत जाकर के सरकारी लोग जाकर के अपना एक्शन लेगा। जैसे कि स्कूलों में देखा जाता है वो लिस्ट बना होता है, खाना का लिस्ट, सारी ऐसी लिस्टें बनी होती है, आज क्या बनेगा कल क्या बनेगा, तो स्कूल में विद्यार्थी पढ़ेंगे क्या, खाने पर ध्यान रहता है। तो दोस्तों स्कूल को तो एक तरह से होटल बना दिया गया है, मिड डे मील ना दे करके बिहार सरकार स्कूल के बच्चों को अगर किताब कॉपी पेंसिल के लिए व्यवस्था करते तो और भी अच्छा होता, मगर ऐसा तो नहीं हो रहा है। नमस्कार, मैं विश्वनाथ मंडल, क्राइम सच खबर जिला संवाददाता। दोस्तों अभी कुछ समय पहले नीतीश कुमार जी जो एगो गाइडलाइंस चालू किए थे, कोई भी मीडिया कोई भी पत्रकार किसी भी स्कूल में जाकर के पूछताछ नहीं करेगा, आखिर क्या वजह है दोस्तों, वजह क्या है? अगर स्कूलों में कमी नहीं है तो जाने में क्या दिक्कत है? मगर नीतीश कुमार जी बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो गाइडलाइंस तो चालू कर दिए जो कोई भी मीडिया किसी भी स्कूल में जाकर के न बच्चों से पूछताछ कर सकता है, न शिक्षक महोदय से पूछताछ कर सकता है। इस बात को लेकर के कई मीडिया कई भी स्कूल में गए हैं मगर समस्या खड़ा हो जाता है, आपस में उलझ जाते हैं, झगड़ा हो जाता है। कहीं कहीं पर तो समझ लीजिए हरिजन समुदाय के लोग रहते हैं स्कूल में, शिक्षक हरिजन एक्ट लगा देते हैं। तो मैं सरकार से ये कहना चाहूंगा ये जो गाइडलाइंस है ये बहुत गलत है। कुछ दिन पहले नीतीश कुमार जी गाइडलाइंस चालू करते हैं कोई मीडिया किसी स्कूल में नहीं जाएगा, फिर कुछ दिन के बाद वही बिहार सरकार बिहार के मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी फिर एगो वीडियो जारी करते हैं, कहते हैं जो कहीं पे भी अगर स्कूल में समस्या है तो आप जा करके नजदीकों में देखिए क्या समस्या है, वहां का फोटो बनाइए, वीडियो बनाइए, फोटो वीडियो लेकर के डीएम को दीजिए, तुरंत कार्रवाई होगी। फिर नीतीश कुमार जी आपको सोचना चाहिए, पहले तो आप कुछ और बोलते हैं और बाद में फिर और कुछ बोलते हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है आखिर? फिर भी बिहार की जनता इस बात को समझ नहीं रही है जो कभी नीतीश कुमार जी मीडिया को स्कूल में जाने से रोक लगा देते हैं और कभी फिर कहते हैं जो कोई भी आदमी स्कूल में जाकर के स्कूल की समस्या देखिए, फोटो वीडियो शूट कीजिए, क्योंकि नीतीश कुमार जी का वीडियो भी वायरल हो चुका है। ये बात बहुत सारे शिक्षक लोग नहीं समझ रहे हैं जो बिहार सरकार फिर से बोले हैं जो कहीं भी किसी स्कूल में अगर समस्या है तो डायरेक्टली वीडियो शूट करो, फोटो खींचो और डीएम को दो, तुरंत कार्रवाई होगी। और वैसे दोस्तों स्कूलों में तो समस्या हमेशा बनी ही रहती है, क्योंकि हम भी कई गो स्कूल में गए हैं और मेरे साथ भी समस्या हुआ है स्कूल में। आज स्कूल में खाना बनता है, बच्चे लोग जो पढ़ने के लिए कम जाते हैं खाने के लिए ज्यादा जाते हैं, तो ये सब सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए बिहार के स्कूलों में। बिहार का शिक्षा व्यवस्था किस हद तक बर्बाद है ये आप सब जानते हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर में ना बच्चों को पढ़ाया जाए तो सरकारी में तो गवर्नमेंट स्कूल में तो कोई शिक्षा ही नहीं है, इस तो बात आप सब लोग जानते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में तो कोई शिक्षा है ही नहीं, वो तो बच्चे थोड़े बहुत पढ़ लेते हैं। सरकारी प्राइवेट सेक्टर में कोई भी ट्यूशन हो या कहीं पे भी कॉन्वेंट पढ़ते हैं उसमें बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो रहा है, मगर सरकारी में शिक्षा के मामला में सरकारी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल बिल्कुल जीरो है। अगर प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाने के लिए समझ लीजिए किसी गरीब मजदूर के पास तो इतना औकात नहीं है
जो प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा लेगा, प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाते हैं बड़े बड़े लोग, और वही किसी शिक्षक का बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ेगा गवर्नमेंट स्कूल में, मगर गवर्नमेंट स्कूल का डिग्री चाहिए उसे, पढ़ाई नहीं करेगा मगर गवर्नमेंट स्कूल का डिग्री पहले चाहिए उसको, पढ़ाई नहीं करना है मगर गवर्नमेंट स्कूल का डिग्री चाहिए। तो दोस्तों आप लोग समझिए, सच का आईना।